हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत जैसे कि हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ और मैं अभी हेयर वॉश किया मैंने, तो क्योंकि मैंने कलर करा था गाइस, तो मैंने सोचा कि हेयर वॉश कर लूँ क्योंकि कल तो सैटरडे, तो सैटरडे को हेयर वॉश नहीं करते, तो इस करके मैंने अभी अभी हेयर वॉश करा है। और रौनक अभी सो रहा है, उसको अभी उठाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा कि पहले उसको उठाने से पहले मैं अपने थोड़े से काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर इधर उधर उधर तो घूमता रहता है, थोड़ी सी काम बढ़ाता मेरे से। इस करके मैं सोच रही थी कि अभी वो थोड़ी देर में 15-20 मिनट 25 मिनट में उसको मैं उठाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपना काम साथ में करती रहूँगी गाइस। तो बस मैंने अब मैं थोड़ी देर के बाद रेडी होंगी गाइस। तो कुछ नहीं, बस मेरा काम हो गया है, पूजा भी करनी है मुझे और खाना मेरा तैयार हो चुका है। और आज मैंने बनाया है गाइस वाइट छोले, साथ में मैंने बनाए हैं चावल और साथ में मैंने बनाए हैं रौनक के लिए पूरी, जो कि अभी उसको उठाऊंगी तो उसको खिलाऊंगी साथ में, और दोपहर के लिए भी उसके लिए पूरी बना के जा रही हूँ ताकि उसको लगता है कि हाँ मुझे पूरी और छोले मिल जाए, पूरी या आलू मिल जाए। तो इस करके बस मेरा काम फिनिश हो गया गाइस, तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो गाइस, मैं बना रही हूँ आज वाइट छोले जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है आटा क्योंकि रौनक ने खानी है पूरी, और साथ में यहाँ मेरा बन रहा है तड़का। बस ये भून ही चुका है ऑलमोस्ट, इसमें मैं अभी छोले डाल दूँगी और यहाँ बन रहे हैं मेरे चावल। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम, और यहाँ पर मैंने दूध को उबाले दे दिया, तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश ही हो गया। तो बस इसके अंदर मैं अभी चने डाल दूँगी और थोड़ा 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पकने दूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है मेरे ऑफिस जाने में। तो इस करके मैं अपना पूरा काम आराम से फिनिश कर सकती हूँ। तो गाइस, ये जो छोले हैं वो बन के हो गए हैं रेडी, और आप देख सकते हैं कितना ही मस्त कलर आया है इसका। रात को मैंने सोने से पहले भी भिगोते, बल्कि सोने से पहले भी नहीं, जब मैं ऑफिस से आई थी ना मैंने तभी भी भिगोते थे ताकि सुबह आराम से जल्दी बन जाए और गैस की भी कम खपत हो इस करके। और यहाँ पे मेरे चावल बन चुके हैं, यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, बस मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है। तो गाइस, मम्मी ने बनाया मेरे लिए ब्रेकफास्ट में ये वाइट छोले और साथ में पूरी। तो गाइस, मम्मी मेरे लिए पूरी बना कर गई है। वैसे तो मम्मी कहती है मैं अभी बनाते बनाते ही डाल देती हूँ, लेकिन मैं ना उस टाइम दूध पी रहा था, तो पहले मैं दूध पी लेता, उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो जाता, उसके बाद मैंने सोचा कि खाऊँ ये पूरी। तो हाँ, बस मैंने अपने आप गर्म कर ली अभी थोड़ी सी, छोले ऑलरेडी गर्म थे और मैंने खुद को डाल दिया ये पूरी और छोले। तो अब मैं बस इंजॉय करूँगा, आप भी इंजॉय कीजिए। तो गाइस, मैं आ गई थी और अभी अभी ऑफिस से, और मेरे ऑफिस से आते ही रौनक ने बोला मम्मी पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है, क्योंकि सुबह वो नहीं नहाया था। मैंने बोला था जब मैं ऑफिस से आ जाऊँगी तब नहला दूँगी, तो ऐसे करके मैंने उसका पानी अभी गर्म कर दिया और वो नहा रहा है, और चाय वगैरह मैं अभी बना रही हूँ। तो जैसे ही चाय बन जाएगी तब तक रौनक भी नहा लेगा, तो फिर हम दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। और गाइस, अब मैं दिखाती हूँ कोको क्या कर रही है, बेचारी गेट के पास बैठी हुई है, वो वेट कर रही है भाभी की, और मैं दिखाती हूँ आपको उनको। हाँ जी मैडम, कोको चलो, कोको चलो, चल चल चल, बिस्कुट खाएगा। इस ठंडी में कौन बैठी है, चू ठंडी में कहाँ बैठी है, जो पता नहीं ठंडी है, अभी ब्रश में ठंडी ठंडी लगती है। हाँ चल बेड पे, चल बेड पे, है बेड पे जाएगा, बता नहीं जाना, चलो आजा आजा मेरे पास आजा। और मैं देखती हूँ पूछी क्या कर रही है, भाभी घर पे नहीं है, पूछी कहाँ है, पूछी तो है ही नहीं है, पूछी कहाँ है, पूछी। तो गाइस, पूछी पता नहीं कहाँ है, मैं सोच रही थी कि उसको ढूंढू कहाँ बैठी हुई है, पर वो दिख नहीं रही। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, तो ये बैठी हुई है यहाँ किचन में। मैडम ए पूछी, मैडम रोशनी तो कर ले, अंधेरे में कहाँ बैठे हैं। हाँ इधर क्यों बैठी है, अभी सुनो तेरे को खाना मिल रहा है, हैं? मम्मा एक सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब दो। आपने क्या प्लान कर रखा है ना बुआ के साथ जाने का वृंदावन मथुरा? हाँ कब जाना है? मैंने सोचा था कि 8 तारीख को हम लोग, मैं ऑफिस जाऊंगी 8 तारीख को, और 5 बजे 4:30 बजे निकल जाऊंगी थोड़ा जल्दी। 8 को ही? 8 तारीख को, मतलब मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं करूंगी,
8 तारीख को शाम को निकल जाएंगे हम दोनों। और फिर बुआ नहीं आएगी? सुन तो ले, वहाँ उसे उसको वहाँ से पास पड़ता है, वो यहाँ थोड़ा ना आएगी। अच्छा, यहाँ पे आके भी उसको वहीं जाना है वापस। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी जाना है, हमें पता, इनको भी जाना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आके उस साइड को जाना वो समझदारी तो नहीं है ना, इसलिए हमें उस साइड जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इस करके तो अभी 8 तारीख को जाएंगे उसके घर पे पहुंचेंगे, फिर 9 तारीख को सुबह सुबह निकलेंगे, फिर वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे, मथुरा जाएंगे, 3 जगह तो बोल रहे। और कितनी देर में, कितने टाइम में आएंगे? वन डे करना है, मतलब की 10 को आ जाएंगे। हाँ, हम 10 को घर वापस आ जाएंगे। 11 को मेरा पेपर है भाई। 11 को तेरा पेपर है? आपको बताया तो है। अरे यार, मेरे को तो ध्यान नहीं, क्या तेरे कौन सा पेपर है, हिंदी का? लास्ट है वैसे तो। अब रहन दो, बाद में कर लेना प्लान, तो पेपर तो देना ही है। और उसको मैंने बोला था प्रीति को कि तेरा लास्ट पेपर जो है 5 तारीख को है, मतलब कि 4 या 5 को। ये क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि मेरे को लगा तूने तो बोला था मुझे। मैंने कब बोला? मैंने कहा था 11 को है। 11 को? बाद में बहाना मारोगे, नहीं प्रीति कुछ ये हो गया वो हो गया। नहीं, बहाना क्यों मारोगे, सच्चाई बतानी चाहिए। तो वही ना, तो सच्चाई बता देना आज। तो 11 के बाद चले जाएंगे। हाँ देखते हैं, फिर 12-11 को तो नहीं जाएंगे, फिर 12-13 को भी नहीं जा सकते क्योंकि देख 11 का पेपर होगा। 12 को फिर अगर हम जाते हैं शाम को, तो 13 तारीख को हम लोग वृंदावन जाएंगे। हाँ, 14 को वो है, क्या कहते हैं, पापा का, हम तो 14 के बाद चले जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, करंट लगा। फिर 15 के बाद जा सकते हैं, 15 को जा सकते हैं हम लोग, तो 15 को चले जाएंगे, कोई ना, है ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे ना पहले। हाँ, फिर तैयारी होगी तेरी? हो गई। अच्छा सही है, फिर चाय पी के, मैं छोले तो बने हुए हमारे, तो अभी तो पराठा खा लियो। क्यों, पूरी क्यों नहीं? पूरी सुबह खाई तो है, कितनी खाएगा पूरी? कोई ना, चलो ठीक है, रोटी खा लियो, है ना, रोटी और पराठा खा लियो, ठीक है? ठीक है। नहीं, तूने कहा था ना कि जब इसके पेपर होंगे। नहीं, मैंने छुट्टी कर तो ली अभी कल। हां, अभी कोई छुट्टी नहीं, तो पेपर है। जब भी मेरी छुट्टी की बात होती है ना ऑफिस में, बोलते ना मैडम छुट्टी का, मैं बकवास बंद करो, छुट्टी का छुट्टी का नाम मत लिया करो। मैंने फटाफट, मेरे को लगा कि तेरी शायद नींद खुले ना खुले, अगर मेरी नींद खुलती है तो मैं जरूर तेरा दरवाजा खड़काती हूं, उसके बाद तू सो जा पाता लगे। हां, आपने तो 6:30 बजे उठाए थे ना मुझे। नहीं, 6:30 बजे भी खुली थी मेरी, 5:30 बजे खुली थी, 4:30 भी खुली थी, हर घंटे में बारिश बड़ी तेज आ रही थी तो आवाज आ रही थी, तो बाबा नींद खुली थी इसलिए मैंने तुझे उठा दिया कि भाई उठ जा, क्योंकि मैंने आराम, पता है मैं 6, 6:30, 7 बजे का लगाती हूँ। समझ गई, हाँ भी एक अगर मिस हो जाए तो दूसरे, हाँ कि दूसरे में उठ जाए, वो तो आपने 6:30 आके उठा ही दिया, तो पानी तभी तो फटाफट तूने फिर गर्म। हाँ, वो फिर कुकर ऊपर सीटी आएंगी, छोले बनाने थे वैसे मुझे। ये काम रात को करके सोया, कुकर में पकाने का जैसे उबाल के रख दो क्या फर्क पड़ता, बाहर आएगी एक बजे तक तुम जान। पर इस छोले तो मैंने रात को आके भिगोए ना, ऑफिस से आके भिगोए 8 बजे के करीब, फिर मैंने कहा जल्दी भिग जाएंगे, सुबह उठते ही उबालने के लिए रख दूंगी। छोले तो जल्दी बन गए थे मेरे, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, काम मेरा जल्दी हो गया। हाँ, रोटी खाई, पूरी बनाई थी उसके लिए, सुबह भी पूरी बना के गई थी। चलो अच्छी बात है, जो खाए बच्चा, इसमें क्या, पूरी हो जाए, रोटी हो, बात ये है, खाता शौक से तो बना। अच्छा, रोज रोज कौन बनाता है वैसे? ठीक है ना, एक बात कहूँ, जो बच्चा खाए वही बनाना चाहिए। तो छोले ले लो आप, टेस्टी लगे ना छोले वैसे। हाँ, मैंने बना लिए ना, कहते चावल बना दे, तो चावल के साथ खा लो। नहीं, पुलाव नहीं खाऊंगी, पुलाव खाऊंगी चावल के साथ। अच्छा, नहीं खा सकती पुलाव मैं किसी के साथ भी, एक तो नमक ज्यादा हो जाता है, मेरा बीपी, या तो फिर अचार होना चाहिए साथ में ना। चटनी खाऊंगी, अच्छा दही भी नहीं लूंगी, रात को दही नहीं खाऊंगी। अच्छा, दही तो मुझे भाभी वैसे मुझे नहीं पसंद। सुबह बनाया था दलिया, किसके लिए? संदीप के लिए। गए नहीं अभी वो? नहीं, गोलू भाई चले गए, संदीप नहीं गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फोन आया था मुझे गोलू का कि मम्मी भी उनके लिए दलिया बना दो, वो किस वजह से, या कोई तबीयत ठीक नहीं थी क्या? मैंने नहीं पूछा कुछ भी, मैंने कहा क्या पूछना, क्या है क्या नहीं, मैं कहा गोलू वो फटाफट वो दलिया बना दो, दलिया बना दो, दलिया बना दो, फिर मैंने दलिया बनाया। नमकीन दलिया? नहीं, मीठा। अच्छा, बिल्कुल लाइट मीठा, क्योंकि जो इंसान जिम करता हो ना वो मीठा नहीं खाता ज्यादा।
मैं भी खाती मीठा, तो मैंने अभी भी इतना सा पढ़ा जरा सा, ये मुझे कहते थे रात को रोटी के बाद मुझे दी मीठा के हिसाब से, मीठा के हिसाब से थोड़ा सा खाऊंगा, दोपहर को भी खाया थोड़ा सा। अच्छा, दलिया बनाती नहीं हूँ पर नहीं मीठा दलिया वैसे टेस्टी लगता नहीं, है बनाया। अच्छा, पहले उबाल लिया पानी में, वैसे नहीं तो दूध निकल आता है ना बाहर, निकलता है जरूर दाने फंस जाते हैं, पहले मैंने इसको उबाल लिया अच्छे से, उबाल लिया एक सीटी दिलवा दी, जब स्टीम निकल गई फिर मैंने इसमें दूध और चीनी डाली, इसको उबाला, दूध काफी सारे डाल दिया। अच्छा, ये क्या कर रही है रोटी की वेट कर रही है बेचारी, कोको कोको अंदर। अच्छा, राधे 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 राधे, कब आया तू? आज आया था। अच्छा, 10:30 बजे आया था आज, साढ़े रात को। अच्छा, पता ही नहीं चला, पता नहीं चला ये आ गया फटाफट, तुम लोग ऊपर थे, तुम्हारे कमरे दरवाजे बंद थे। अच्छा, ये बंदा लेता भाग गया, ऊपर आ गया। अच्छा, तो क्या किस पे गए थे? अपने गाड़ी पे गए थे, गाड़ी पे। कितना टाइम लग गया था सार तक यहाँ से? 4-4.5 घंटे बस। मतलब अब देखो, जैसे हम निकले 8 बज गए थे, रात को निकले थे, नहीं सुबह 8 बजे निकले थे, तो वहाँ हम पहुँच गए थे कितने 12-1 तक पहुँच गए थे, 1 तक पहुँच गए। मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं लगता वैसे, है ना? और बाय ट्रेन जाना हो तो? बाय ट्रेन में यही आइडिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ट्रेन में नहीं पता नहीं, ट्रेन में देख कभी हम गए नहीं, पहले जब हम गए तो गाड़ी पे ही गए, ट्रेन में नहीं। अच्छा, हम लोग साथ में छोटा था जो प्रीति मनोज वगैरह उनके साथ गए, उसके बाद भी कभी गए हैं जब वो ये छोटा सा था कंधे में बिठा के इसको दिखाया था मुन्ना ने, उसकी लड़की की भव्या भी थी, मैंने पकड़ा था सार्थक को जब था। अरे दबा दिया था तुम्हारी को ऊपर कंधों में ले गए थे, इतना बुरा हॉल इनका, प्यारी मंदिर, भीड़ थी वहाँ पे, प्यारी मंदिर में इतनी, तो वहाँ पे वो था जिसमे वो पर्दा आगे कर देते, वहाँ गए थे वो कृष्ण जी साथ चल रहे थे, वो बांके बिहारी मंदिर, हाँ, बांके बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी, वो मुझे नहीं पता, बांके बिहारी मंदिर में ना हम जो मूर्ति जो कृष्ण जी का वो है ना, हाँ, हम उसके एकदम साइड में ही खड़े थे, हमारी वीआईपी एंट्री थी। अच्छा अच्छा, हमें मालाएं भी मिली है, ये वहाँ की माला है, ये वीआईपी एंट्री में गए थे सारे। अच्छा, क्योंकि इसको मंदिर में लगा लेते ना, माला को मंदिर सुबह दिखाओगे। अच्छा, अभी क्या कहते हैं करके प्रसाद लेकर आया हुआ सबको मेरे मुंह में, वो है सुपारी। अच्छा, अच्छा, ये प्रसाद है वहाँ का? नहीं, सबसे पुराने खाना खा ले, लेट हो गए, थका हुआ है, पेड़े में हमने सबको दे के आता हूँ नीचे, ऊपर सबको पकड़ा। अच्छा, बरसाना भी जाते ना, मजा आता है, बरसाना जाना था बट फिर वो लेट हो जाते हैं हम तो। अच्छा, असल में काकू का पेपर है ना, मैंने कहा था एक दिन के लिए घूमने जा, भाई 2 दिन नहीं है, बाद में जाइयो, फिर दोस्त यार का बन गया था ना प्रोग्राम। अच्छा, वैसे बरसाना जाते तो आते हो ना घर में, फिर 12:30 अभी मैं घर घुसा होता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट और क्या हो जाता, तो हाँ चले जाते हैं, बल्कि नहीं था बट दो दोस्त थे ना उनके घर पे, फिर वो मना कर तो दर्शन अच्छे हो गए, हर मंदिर के अच्छे से दर्शन। चलो बढ़िया, रात को एंट्री नहीं है, एंट्री है बट फिर बोला लेट है। अब हमारे घर में भी ऐसा होता है, एक बार मेरा भाई गुरुद्वारे से लेट आया था 10 बजे के करीब, मेरे पापा ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि नहीं ऊपर आने देना, कि 10 बजे क्यों आया, तो पहले आना है घर के अंदर, लेट नहीं घूमना। माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हाँ। आप तो बच्चों को कह दो अरे अब तो दुनिया चल रही है, हम क्यों बैठे, हाँ मुझे पूरी दुनिया जाग रही है, मतलब की वैसा भी इसका सार्थक का ये है कि हर मेरे फोन चेक कर ले, आइए ले गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको, फोन चेक कर लो, वैसे मेरा मैंने इसके बार बार फोन करा होगा, इसकी जितनी फोन गया होगा लेकिन दोस्त का गया भी नहीं होगा। ये पूरी पूरी डिटेल बता रहा है, पूरी डिटेल फोटो भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये पूरी डिटेल बताई हुई है, ये कहाँ पर है ये देख ले अभी। अच्छा, कब तक आएगा घर पे, कहाँ पहुँचा है ये देख, पूरी डिटेल है, ये पूरा ब्लॉग व्लॉग जो इसने बनाया सारी चीजें बताई है। अच्छा, हर चीज सारे 1-1.5-2 घंटे में मतलब आपने बार बार इसके 2-3 मिनट का अपडेट लिया है ना? मैंने अपडेट नहीं लिया, हाँ। मैसेज कर देता ना ये। अच्छा, इसको पता कि पापा मम्मी को चिंता है। अरे पता क्या, हम लोगों को मैं तो बस उधर उधर
मैं तो बस उधर उधर फोन नहीं कर रहा था, चाहे बंदर थे क्योंकि बहुत बंदर थे हर जगह। अच्छा वहाँ दो मिनट नहीं किए मेरे साथ, कहते मम्मी बस अब से बात कर लिया आपसे, मेरी आवाज सुन लिया ना आपने, तो आप रखो फटाफट, बंदर बोल ले तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा फटाफट रख दे भैया। मैं बताता हूँ क्या हुआ, निधिवन में मैंने बोला कि मैंने आज तक कभी लाइव स्नैचिंग नहीं देखी, मैंने अभी जस्ट कुणाल को पीछे मुड़ के बोला, आगे देखा बंदर एक आदमी का चश्मा उठा के ले गया, हाँ ये ऐसे ही करते हैं बंदर वगैरह ना, मतलब वो जाली जाली पता क्या पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो माता पे गए थे शुक्र है, आपको चांटा नहीं पड़ा, किसी और बंदे को चांटा भी पड़ गया था, उसने ना खाना मांगा उसने दिया नहीं बंदे ने, कसम से उसने फटाफट उन्हें ऐसे खींच के ना उसे ले लिया, वो जिस पर गया उसके पास ऐसे जाके चांटा मार के उसको कहते जा भाई, बंदर ने चांटा मारा, उनकी टोली घूमती है, डर भी लगता है बड़ा। गाइस यही खत्म करते हैं, आज मैं खत्म कर रही हूँ, निक्की कहती है आज ब्लॉग आप खत्म हाँ, करो, आज मैंने बोला भाभी का आज गुंडे डाप करोगे, तो गाइस जाते जाते कोई बात नहीं, सॉरी मुंह से पिसल गया, तो गाइस जाते जाते अगर आपको आप वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ और नई सुबह के साथ मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।